दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर अभी कुछ ही दिन पहले ग्रेप लागू हुआ था, जिसमें स्टेज फोर भी लागू हो चुकी है। और फरीदाबाद की स्थिति एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 500 तक इसलिए पहुंचा क्योंकि इसके पीछे कई वजह हैं, और एक वजह हम दिखाने के लिए आपको पहुंचे हैं, सैनिक कॉलोनी जिसे पॉश एरिया कहा जाता है। लेकिन पॉश एरिया में जो पॉल्यूशन है वो है राख। राख इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ एक थर्मल प्लांट हुआ करता था और कई साल पहले वो बंद हो चुका है, लेकिन उसकी जो राख थी वो इसी सैनिक कॉलोनी के पास में पड़ी हुई थी। अब वो उड़कर इनके घरों में पहुंच रही है और मैं एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं। देखिए, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो साफ तौर से देखा जा सकता है। ये आप जो देख रहे हैं ये मिट्टी नहीं है, ये काली राख है, और काली राख कोयले की है जो अब इनके घरों में पहुंच रही है, और महीन इतनी है कि सांसों के जरिए शरीर में पहुंच रही है और लोग यहाँ बीमार भी हो रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम तस्वीर क्योंकि दिखा रहे हैं आपको, देखिए साफ तौर से ये जो पेड़ है इन पर ये जो डस्ट आप देख रहे हैं, ये डस्ट वही राख है, जो जहरीली राख जो लोगों को परेशान कर रही है। और लगातार अगर एक छत की भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो साफ तौर से देखिए ये जो छत पर एक लेयर सी आप देख रहे हैं, ये रोजाना इसी तरह से यहाँ ये उड़कर आती है और इसी तरह तमाम लोगों के घरों तक पहुँचती है, जिससे जो सैनिक कॉलोनी के लोग हैं वो काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। आपसे बात करेंगे क्या वजह है, ये राख क्यों आ रही है और कितने नुकसान आपको हो रहा है इससे। देखिए, हमारे कम से कम 2 साल 2-3 साल से प्रॉब्लम रेगुलर चली आ रही है, तो हमारी जो एसोसिएशन RW हैं वो बार बार मिलते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिलते हैं और साथ साथ NHAI डायरेक्टर से मिलते हैं और थर्मल पावर के सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर से भी कई बार कंप्लेंट। वो सर्टेन पीरियड के लिए तो रोक देते हैं, बरसातों में हमें दिक्कत नहीं होती। अब ये जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस वे बन रहा है, वहाँ फ्लाई ओवर के अंदर ओवरनाइट ओवरलोडेड जो हाईवाज होते हैं वो चलते हैं, डस्ट उड़ती हुई जाती है राख। तो हम डेली हमारी काम वाली आती है सुबह सुबह, इसको पोछो, मतलब वो परेशान हो गई है झाड़ू लगा लगा के। अरे हम लोग अस्थमेटिक में कफ की प्रॉब्लम होती है, किसी को चेस्ट में इन्फेक्शन होता है। एक तो हम मानते हैं कि पोल्यूशन ओवरऑल चाहे पराली से है चाहे जैसे भी है सब परेशान है, लेकिन हमारी सैनिक कॉलोनी के जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो इसलिए ज़्यादा परेशान है कि हमारे को इस राखी से छुटकारा दिलाया जाए। और NGT ने इसके ऊपर लगाम लगाने के भी आदेश दिए थे, जिसकी अभी हेयरिंग होनी है 18 दिसंबर को, डेट लगी हुई है इसके अंदर। ये जो राख का जिक्र कर रहे हैं ये किस कौन सी राख है और यहाँ तक कैसे पहुँच रही है ये? ऐसा यदि जो थर्मल पावर बंद हुआ उसकी राख पड़ती थी यहाँ से तकरीबन 1-2 किलोमीटर दूर है, पर वहाँ से जब ट्रक भर के आते हैं, ओवरलोड होते हैं, उनको ऊपर पानी नहीं डाला जाता, जब वो सड़कों पर चलते हैं ओवरलोडेड होने की वजह से राख नीचे भी गिरती है, तो सिर्फ उन ट्रकों से नहीं जो भी व्हीकल्स आते जाते हैं उनके थ्रू भी राख उड़ती है। तो इस समय ये हालत हो रही है कि सब घरों में ऐसी काली राख आपको दिखाई देगी, सभी घरों में। तो एक घर है, किसी भी घर में चले जाएं आप, वहाँ पर ऐसी राख दिखाई देगी। इसके कितना 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 बड़ा नुकसान देख रहे हैं सैनिक कॉलोनी के तमाम लोग जो इस राख की वजह से। देखो, हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो महीने में कम से कम 2 बार डॉक्टर के पास ये खांसी की शिकायत लेके पहुँचते हैं। ये परमानेंट हो गया हमारे घर में, छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो खांसी की परेशानी से लगातार ग्रस्त हैं और हम डॉक्टरों के चक्कर काट काट के परेशान हो गए। तो क्या इसके समाधान के लिए किसी से आपने संपर्क किया हो अधिकारियों से कि भी ये पॉल्यूशन लगातार जो बढ़ रहा है कॉलोनी में और ज़्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं इससे? जैसे कौशिक साहब ने बोला कि हमने हर एक पार्षद को, MLA को, सबको बोला है इसको लेकर, और इवन अथॉरिटीज़ को भी बोला है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ है। इवन दो मेरी वाइफ एक मैथ की टीचर है, स्कूल में पढ़ाती है, उसकी तबीयत इतनी ख़राब है ड्यू टू दिस राख की ओनली, वो स्कूल में जाके पढ़ा भी नहीं पा रही है, इतना उसका गला खराब हो रखा है। घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बहुत ही समस्या है इस राखी को लेकर, तो हमें इसका निदान चाहिए। अगर अभी हम देख रहे थे ये राखी, देखो ये रोज सफाई होती है हमारे काम वाली और ये इतनी राख हो रही, देखो ये राख देखिए, और यही राख हमारे अंदर जा रही है और हमारे गले खराब हो रहे हैं, नाक खराब हो रहे हैं और हम बोल नहीं पा रहे हैं। मेरी माँ बिल्कुल पॉल्यूशन जो है आप साफ तौर से इसको देख सकते हैं। देखिए, ये जो तमाम लोग हैं दिखा रहे हैं कि ये मिट्टी या धूल नहीं है, ये काली राख है जो जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं, और ऐसे में लगातार जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो NIT का सबसे ज़्यादा इसीलिए ख़राब है क्योंकि इस तरह की जो राख है वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रही है, और ऐसे में लोग तमाम परेशान इस बात को लेकर हैं कि इसका समाधान हो, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है क्योंकि Grape 4 लागू होने के बाद में कई तरह की बंदिशें लागू हो चुकी थी और तमाम जो निर्माण कार्य हैं चाहे सरकारी या निजी वो पूरी तरह बंद हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी उस राख को वहाँ से कंस्ट्रक्शन के लिए उठाया जा रहा है। तब ये तमाम लोग इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को फरीदाबाद में कम करने के लिए अधिकारी किस तरह के कदम उठाते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।
देखो ये पूरी